हाय गाइस, तो आज मैं बनाऊंगी चिकन 65, क्योंकि ना मुझे बहुत दिन से क्रेविंग हो रही थी ये खाने की, तो आज मैंने कहा चलो बना ही लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने ले लिया है आधा किलो बोनलेस चिकन, और इसमें मैंने डाल लेना है अदरक लहसुन पेस्ट, हल्दी, मिर्ची और फिर काली मिर्ची, और इसे अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है। मैंने ये सब ना 1 टेबल स्पून डाला है, आप आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा डालें। और मैंने ये मोमेंट पे नमक अभी नहीं डाला है। फिर इसमें जाएगा 1 टेबल स्पून विनीगर, नमक ऐड टू टेस्ट, और फिर मैंने इसमें डाल लिया 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर और 1 टेबल स्पून मैदा, और इसे हमने अच्छे से कोट कर लेना है। और प्लीज़ अगर रेसिपी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, और नए हैं तो सब्सक्राइब करें। हाँ, कमेंट तो ज़रूर कीजिएगा। देखिए, मैंने इसे अच्छे से मिला लिया है, और इसे मैं 15 से 20 मिनट के लिए इसे रख दूंगी। और मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई में तेल ले लिया है, मैंने तेल को ऑलरेडी ही अच्छे से गरम कर लिया है। आप भी मेक श्योर रहिएगा कि तेल अच्छे से गरम हो। जब अच्छे से गरम हो जाए और जब हम चिकन डालें, तो वो टाइम पे आपको गैस रखनी है मीडियम टू हाई फ्लेम पर, ताकि वो अच्छे से अंदर से पक सके। बहुत ध्यान से ये मोमेंट पे डालें, क्योंकि तेल के छींटे खुद पर उड़ने के बहुत चांसेस होते हैं, तो ये टाइम पे ना थोड़ा सा ध्यान रख लें। और ये देखिए, हमारा चिकन अच्छे से फ्राई हो गया है। तो अभी हम करते हैं तड़के की तैयारी। तो सबसे पहले हमने ले लिया है पैन, फिर मैंने इसमें डाल लिया है 1 टेबल स्पून तेल, जब तेल अच्छे से गर्म हो जाए तो इसमें मैंने डाल लेना है बारीक कटा हुआ लहसुन, फिर 3 से 4 हरी मिर्ची, कड़ी पत्ता, और इसे थोड़ा सा सॉटे कर लेना है हमें। ये देखिए, सारे चीज़ें अच्छे से सॉटे हो गए हैं। तो ये मोमेंट पे हमने डाल लेना है चिकन, जो कि हमने पहले ही फ्राई कर लिया था, और इसे हमने अच्छे से कर लेना है मिक्स। और ये मोमेंट पे हमारी गैस रहेगी मीडियम फ्लेम पर ही। ये देखिए, चिकन 65 बनकर तैयार है। अभी करते हैं गैस ऑफ। कैसी लगी वीडियो बताएगा ज़रूर, पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, और नए हैं तो सब्सक्राइब करें। बहुत ही आसान सी रेसिपी है, ट्राई करिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।